नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के मैप के थ्रू इसके पड़ोसी देशों के जो नेबरिंग कंट्री है इसके बॉर्डर्स वगैरह पढ़ेंगे और इसके देखते हैं भारत के मैप से क्या क्या चीज़ें जो है हम एनालाइज कर सकते हैं फॉर UPSC BPSC एंड मैनी अदर एग्ज़ाम SSC CGL सबके लिए प्रीलिम्स के लिए राइट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो इंडिया है यहाँ पर अब जो है 29 स्टेट और 9 UTs हो गई हैं, जो J&K का वेरिफिकेशन हो गया है, यानी कि इसको तोड़ के 2 UTs बना दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इंडिया जो है 7th यानी कि सातवां विश्व का सबसे बड़ा देश है, ठीक है ना। सातवें नंबर पे विश्व का सबसे बड़ा देश है यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से सातवां। इसका जो एरिया है, ठीक है, एरिया कितना है, तो इंडिया का जो एरिया है मैं आपको बता देता हूँ, 32 लाख, ठीक, 32,87,000 राइट 260 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। इस तरीके से 32.8 स्क्वायर किलोमीटर में आते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं आप। तो आई होप कि ये यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगे। अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए। अब देख लेते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के लाइन को क्या कहते हैं। देखिए ये जो इंडिया और पाकिस्तान का लाइन है इसे कहते हैं हम रेड क्लिफ लाइन। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन, जो कि सर रेड क्लिफ ने कब 1947 में खींचा था। यही लाइन इंडिया और बांग्लादेश के लाइन को भी कहते हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर को भी रेड क्लिफ लाइन ही कहते हैं, क्योंकि ये पूर्वी पाकिस्तान था और ये पश्चिमी पाकिस्तान था, राइट। दूसरा जो इंटरनेशनल बाउंड्री है ये देखिए, यहाँ से लेके इधर तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन यानी कि इंडिया और चाइना के बीच का जो लाइन है मैकमोहन लाइन होता है। और इसको जो है कब खींचा गया, तो 1914 में मैकमोहन के थ्रू ये लाइन खींचा गया था, ठीक। तीसरा जो हमारा बाउंड्री लगता है इंटरनेशनल बाउंड्री, वो है अफगानिस्तान के साथ लगता है, जिसका लाइन है डूरंड लाइन। क्या है? डूरंड। डूरंड कप के बारे में आप जानते होंगे, तो डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। तो डूरंड लाइन जो है वो कब खींचा गया था, 1893 में जो है इसे बनाया गया था, राइट। तो चलिए हम पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अफगानिस्तान हो गया, ठीक। दूसरा यहाँ पर हमारा जो है पाकिस्तान हो गया, ठीक। और तीसरा जो हमारा पड़ोसी देश है इधर चाइना हो गया, ठीक, जो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। LOC और LSE भी मैं आपको अभी बताऊँगा। ये हो गया नेपाल, राइट, और ये हो गया आपका भूटान। थोड़ी हेड राइटिंग जो है वो ख़राब आ रही है, तो आप एडजस्ट कर लीजिए। आप लोगों को समझने से मतलब है, आप समझिए इसको अच्छे से। और ये हमारा बांग्लादेश, ठीक, और ये हमारा है म्यांमार। क्या है? म्यांमार। अब दिशा भी देख सकते हैं कि कौन किस दिशा में है। और जो हमारे समुद्री, अगर समुद्री दिशा से पूछा जाए कि समुद्र के साइड में या दक्षिण दिशा में हमारे पड़ोसी देश कौन होते, तो हमारे पास श्रीलंका है, और दूसरा जो है यहाँ पर है हमारे पास छोटा सा मालदीव। क्या है? मालदीव, हिंदी में मालदीव्स कहते हैं। इनकी राजधानी के बारे में हम बात कर लेते हैं, कैपिटल के बारे में बात कर लेते हैं ज़रा स्पीड में। तो आप लोगों को रिकॉग्नाइज हो गया होगा कि अभी तक ये चाइना है, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये नेपाल है। तो इनके राजधानी के बारे में बात करते हैं, तो चाइना की राजधानी जो है वो बीजिंग है, ठीक। पाकिस्तान की राजधानी जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद, राइट। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, राइट। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और जो भूटान की राजधानी है थिम्पू है, ठीक। बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है, और म्यांमार यानी कि म्यांमार को ही बर्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्मा। तो इसकी राजधानी जो है नई पी डाओ है। क्या है? नई पी डाओ, ठीक है ना। इसकी राजधानी नई पी डाओ है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, ठीक। अब इसका नाम बदल के जो है क्या कर दिया गया है, इसका नाम बदल के श्री जयवर्धनेपुरम क्या कर दिया गया, श्री जयवर्धनेपुरम कर दिया गया है। मालदीव की राजधानी जो है माले है, ठीक। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इंडिया के स्टेट और इसके कैपिटल्स के बारे में डिस्कस किया था, यूनियन टेरिटरीज के बारे में डिस्कस किया था, आर्टिकल 124 के बारे में डिस्कस किया था।
तो चलिए हम आगे और बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है अलाहाबाद, ठीक, अलाहाबाद यहाँ पर है। अलाहाबाद के पास ही है क्या? अलाहाबाद के पास एक नैनी है जगह, छोटा एक सिटी है नैनी, ठीक। तो यहाँ पर जो है IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाए, मानक भारतीय मानक समय जो है नैनी से होकर गुजरता है। क्या है इसका देशांतर क्या है? तो इसका जो है 82 डिग्री, 1.2 डिग्री देशांतर से ये नैनी से गुजरता है, हमारा जो टाइम रेखा है, जहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा देश कितना समय आगे है पश्चिमी देशों से। तो हमारा देश पता चलता है कि पश्चिमी देशों से 5.5 घंटे जो है आर्स जो है प्लस में है, ठीक। तो इसका मतलब आप लंदन में जाएंगे तो आप 5.5 घंटे वहाँ पीछे रहेंगे, राइट। तो हमने पड़ोसी देश देख लिए, इंटरनेशनल बाउंड्रीज देख लिए, अब देख लेते हम LOC और LAC। आई होप कि इस वीडियो को आप स्किप नहीं कर रहे हैं, स्किप करेंगे तो बीच में जो मैं समझा रहा हूँ लिखने के बजाय मैं समझा रहा हूँ तो आपको समझ नहीं आएगा। तो देखिए LOC है, ये है LOC, एक लाइन ऑफ कंट्रोल, और LAC यानी कि LAC यानी कि एक्चुअल लाइन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि विवादित एरिया चाइना और इंडिया के बीच में, और LOC जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विवादित एरिया है, तो इसको LOC कहते हैं और इसको LAC कहते हैं, ठीक। ये 1947 से विवादित एरिया है और ये 1962 से विवादित एरिया, और अभी आपको न्यूज़ में देखने को मिल जाएगा LAC के बारे में, राइट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख लीजिए, जब जम्मू कश्मीर में 375 और 35A आर्टिकल जो है हट गए, तो यहाँ पर क्या चेंजेस है? तो पहला नंबर चेंजेस है, जम्मू कश्मीर को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, एक लद्दाख यूटी हो गया, एक जम्मू कश्मीर यूटी हो गया। तो लद्दाख की राजधानी जो है क्या, कैपिटल जो है कारगिल बना दिया गया, राइट, और लेह, कारगिल और लेह बना दिया गया, और जम्मू कश्मीर की राजधानी जो पुरानी थी श्रीनगर और जम्मू ही रहा, ठीक। जम्मू जो कि ठंड के लिए होता है और श्रीनगर जो है गर्मियों के लिए होता है, तो आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, दो तीन चीज़ और देखते हैं, जैसे कि दक्षिणतम बिंदु किसको कहते हैं, यानी कि एकदम साउथेस्ट जो बिंदु है, साउथेस्ट यानी कि इंडिया का एकदम दक्षिणतम पॉइंट जो है वह कौन सा है? वो इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पर है? यहाँ पर है। कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक, इंदिरा पॉइंट। ये समुंदर में डूब गया है वैसे इंदिरा पॉइंट। उत्तरी बिंदु कहाँ पर है? देखिए उत्तरी बिंदु यानी कि जो उत्तरी छोर है, यानी कि नॉर्दर्न छोर जो इंडिया का एकदम नॉर्दर्न पार्ट का, तो ये यहाँ पर है। क्या नाम है इसका? इंदिरा कॉल। ये सब चीज़ें आपको याद रहना चाहिए, हर जगह स्टैटिक जीके में पूछता है इंदिरा कॉल, ठीक। ये जम्मू कश्मीर में है। फिर पश्चिमी बिंदु की बात कर रहा है कि पश्चिम में जो है वेस्टर्न में हमारा पॉइंट कहाँ पर ख़त्म होता है, तो पश्चिम में हमारे पास पॉइंट ख़त्म होता है यहाँ पर, जिसको कहते हैं गुहार। क्या कहते हैं? गुहार सेंटर, ठीक, गुहार पॉइंट। पूरब में यानी कि एकदम हमारा ईस्ट में कहाँ पर ख़त्म होता है हमारा बॉर्डर, तो पूरब में देखिए यहाँ पर ख़त्म होता है, इसको कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, इसको कहते हैं किबिदू। क्या कहते हैं? किबिदू, किबिदू, ठीक, यहाँ पर ख़त्म होता है, किबिदू पॉइंट है। और दक्षिण में हमारा कहाँ पर ख़त्म होता है? ये तो एकदम इंदिरा पॉइंट जो था एकदम दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन सीमा के अंदर दक्षिण जो है स्थलीय बिंदु कौन सा है, तो यहाँ पर आता है, जिसको हम कहते हैं कन्याकुमारी। आप सबको पता है इसको कहते हैं कन्याकुमारी, ठीक, कन्याकुमारी भी कहते हैं इसे, कुमारी अंतरिम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमारी अंतरिम, ठीक, अंतरिम। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बेसिक एकदम जीके है, इस मैप से हम इतना कुछ कर सकते थे, अभी और करेंगे थोड़ा। सबको पता है कि इंडिया का जो सबसे बड़ा कोस्टल लाइन एरिया है वो है गुजरात का कोस्टल लाइन एरिया, गुजरात स्टेट का सबसे बड़ा कोस्टल लाइन यानी कि जो समुद्री तट एरिया है वो माना जाता है, जो कि यहाँ तक है, राइट, आप लोगों को ध्यान में रहेगा। तो बस यहीं पर इसको फिनिश करते हैं, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, मोटिवेट कीजिए, हमारे फैमिली के साथ जुड़िए लेटेस्ट अपडेट के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वीडियो देखना है तो चैनल पर जाके देख लीजिए। अगर आपको जो है बुद्धिज़्म के ऊपर या एंशियंट इंडिया के ऊपर वीडियो देखना है, उसे मैंने अपलोड किया है, भक्तिज़्म और बुद्धिज़्म, भक्तिज़्म और सूफिज़्म के ऊपर वीडियो देखना है तो उसे भी आप जो है मैंने अपलोड कर रखा है, उसे देख लीजिए, ठीक।
मैंने अभी बीपीएससी के पेपर सॉल्व करके उसमें वीडियो डाला था, लेटेस्ट आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।